तो आज फाइनली अजय देवगन की शैतान मूवी रिलीज हो चुकी है और आज हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये मूवी ओवरऑल कैसी है। तो शैतान एक गुजराती फिल्म वश का रीमेक है। वैसे तो ये एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी है, बट मुझे ये फिल्म हॉरर तो नहीं बट थ्रिलर लगी। मतलब ये मूवी आपको इतना ज्यादा डराएगी नहीं, बट आप ये जरूर सोचते रह जाओगे कि आगे क्या होगा। ये फिल्म काले जादू और वशीकरण पर बेस्ड है। तो इस मूवी का ट्रेलर देखकर हमें इतना तो पता चल ही गया था कि मूवी की स्टोरी अजय देवगन यानी कि कबीर के फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है। कबीर का एक हंसता खेलता परिवार था और वो अपनी जिंदगी में काफी खुश थे, बट जब ये परिवार छुट्टियां मनाने फार्म हाउस पर जाता है तब इनकी जिंदगी में वनराज यानी कि आर माधवन सर की एंट्री होती है। अब वनराज किसी बहाने से इनके घर आता है, बट कुछ टाइम बाद वो वहां से जाने से इनकार कर देता है और तब कबीर और ज्योति ये नोटिस करते हैं कि वनराज ने समहाउ उनकी बेटी जानवी को वश में कर लिया है। जानवी सडनली वनराज की सारी बातें मानने लग जाती है और वनराज जानवी के जरिए इस फैमिली को बहुत टॉर्चर करता है, इतना कि जानवी के माँ बाप बहुत ही हेल्पलेस हो जाते हैं। अब वनराज ने जानवी को अपने वश में कैसे किया और क्यों वो जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता था और कबीर और ज्योति अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जाते हैं, इसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। ये फिल्म काफी मिस्टीरियस नोट पर शुरू होती है और फिर हमें कबीर का हंसता खेलता परिवार दिखाया जाता है, बट ये फिल्म इंटरेस्टिंग तब लगती है जब आर माधवन सर की एंट्री होती है। इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने अपना पार्ट बखूबी प्ले किया है, बट जब आर माधवन सर की एंट्री होती है तब ये फिल्म काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब जब आप आर माधवन सर को स्क्रीन पर देखोगे आप सोच में पड़ जाओगे कि ये आगे क्या करेंगे। उन्हें देखकर एक्चुअली आपको डर लगेगा और वो कबीर और उसके परिवार की हालत बद से बदतर कर देते हैं। साथ ही जानकी बोडीवाला का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में काफी कमेंडेबल था। ओरिजिनल मूवी में भी जानकी बोडीवाला ने ही आर्या का कैरेक्टर प्ले किया था जिसे शैतान अपने वश में कर लेता है, और इस मूवी में भी जानकी ने अपना पार्ट काफी अच्छे से प्ले किया है। इसके अलावा इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा था, खासकर क्लाइमैक्स में। क्लाइमैक्स से याद आया कि इस फिल्म को एग्जैक्ट वश मूवी की तरह ही बनाया गया है, मतलब स्टोरी एग्जैक्ट सेम है बट सिर्फ इस फिल्म की एंडिंग को ही बदला गया है। इस फिल्म की एंडिंग में आपको एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सो ओवरऑल ये मूवी काफी अच्छी है। इस फिल्म में सस्पेंस और थ्रिलिंग एलिमेंट्स बहुत सारे हैं जिसे आप एंजॉय करोगे, बट मुझे इस फिल्म में एक ही कमी नजर आई। हमने पूरे मूवी में आर माधवन को एक शैतान के रूप में देखा कि वो लोगों को अपने वश में करता है, बट मूवी में कहीं भी हमें उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, जैसे कि वो कौन है। उसकी फैमिली के बारे में भी इस मूवी में कहीं नहीं बताया गया है और वो लोगों को अपने वश में क्यों करना चाहता है, उसका ऐसा करने के पीछे मोटिव क्या है, ये कहीं भी नहीं बताया गया है। इस कमी को हटा दें तो ओवरऑल ये मूवी काफी अच्छी थी। इस मूवी ने मुझे कहीं पर भी बोर नहीं किया। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी मूवी थी जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर आपने ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आप इस मूवी से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।